एक बुजुर्ग हैं, गुजर रहे थे। एक रईस मालदार 80,000 दीनार में एक खूबसूरत लड़की कनीज खरीद कर लाया। उसकी वो कनीज घोड़े पर सवार होकर सुबह टहलने जा रही थी। दो तीन खादिमात औरतें उसके पीछे भी थी घोड़े पर। इतने में एक बुजुर्ग सामने गुजरे, मजरूब की थे, अल्लाह के आशिक थे। उनसे उसने कुछ मजाक किया कि भाई क्या है तुम्हारा, हमारी कीमत क्या है तुम्हारे नजदीक। उस बुजुर्ग ने ऐसे एक नजर देख लिया, अचानक उसने पता नहीं कि मर्द है औरत है पता तो नहीं चलता पहले से, कहा तुम तो चाराने की भी महंगी हो। बस उसने कहा औरतों से कि इनको गिरफ्तार करो, ये पागल मालूम होते हैं, चलो सेठ के यहाँ चले, कुछ हंसी मजाक होगी, जरा दिलचस्पी रहेगी। कहा आप मेरे सेठ के यहाँ चले। कहा अच्छा चलिए गए। सेठ साहब ने कहा कि भाई ये हमारी खादिम कनीज जो है इसकी क्या कीमत है आपके यहाँ। उसने कहा कि यहाँ ये तो चाराने की भी महंगी है। तो वो बड़ा हंसा, उसने कहा तुम पागल हो या अकलमंद हो, 80,000 दीनार में लाया हूं, देखते नहीं हूँ सबसे पैसा क्या सूरत शक्ल है। उन्होंने कहा कि आप बेवकूफ हो गए, मैंने सही दाम लगाया, ये चाराने की भी महंगी है। कहने लगा क्यों? उसने कहा आपको नहीं पता है कि आयदार सौदे की कीमत कम लगती है, सौदे में अगर आए हो तो उसकी कीमत कम लगती है। उसने कहा अच्छा क्या आया देश में, सर से पैर तक सब कुछ ठीक तो मालूम। उनका इसके पेट में बू भरा हुआ है, ये आय नहीं और इससे मूत्र भी निकलता है, बगल में इसके बदबू भी आती है, अगर एक महीना ना नहाए और एक महीना मुंह न धोए तो इसके मुंह से करीब आप नहीं ले जा सकते अपना मुंह। उसके बाद फिर जब कब्र में दफन होगी तो इसकी लाश 3 दिन के बाद ऐसी सड़ेगी कि तुम सारा 80,000 दीनार पूरी जमा डूबी हुई नजर आएगी। जैसे मेमन बिरादरी कहती पूंजी भी गई, नफा तो इस साल क्या आता, मेमन बिरादरी कहती नफा तो क्या होता, आपकी साल तो पूंजी भी गई, तो तुम्हारी पूंजी असल लगी है लागत वो भी गायब हो जाएगी 3 दिन कब्र में लेटने के बाद। तो बड़ा कोर्ट में पड़ा, वाकई उसको चक्कर आ गए, ये अल्लाह वालों की नजर कहां पहुंची। फिर उसने कहा अच्छा तुम्हारे पास क्या कोई ब्याह वाली है? उसने कहा हाँ हमारे पास ब्याह वाली है, न उसको पेशाब होता है न पैखाना फिरती है न पसीना आता और मौत भी नहीं आएगी। उसने कहा भाई ऐसी कहाँ है तुम्हारे पास? उनका हमारा जमा है अल्लाह ताला के, आंख बंद होने की देर है बस, पर देर से जब बदल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला वहां पाला। इसलिए दोस्तों दुनिया में अपने जिंदगी को सिवा अल्लाह ने किसी चीज पर अपने दिल के बहलाने की बुनियाद और सहारा मत डालिए। सीधी बात अर्ज करता हूँ, न इसमें कोई फलसफा है न मंतिक है न कोई अरबी की लुगत है, सिवा अल्लाह के किसी को भी अपने कल्ब के बहलने का दिल के खुश करने का सहारा न बनाइए।